चल चल उस नरक में, हाँ किथे जाओ, जहाँ पे तेरी जगह, किथे जाओ वहीं पे जाओ जहाँ पे तेरी जगह, हाँ क्यों नहीं जाना, हाँ नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, आज तो जाना पड़ेगा। ये मेरा घर है, अच्छा ये तेरा घर है, एक घर परमेश्वर का तेरा नहीं है। ये 5 साल से परेशान थे, 5 साल से ना जी, मेडिसिन खाई जी बहुत ज्यादा, कितने डॉक्टर से, अलग अलग डॉक्टर से जो बता रहे कि खाई थी, अलग अलग डॉक्टरों से मेडिसिन खाई कि ये मेरे घुटनों का रोग ये दर्द चली जाए, और हाँ क्योंकि चलने फिरने में उठने बैठने में बड़ी दिक्कत थी, पर नहीं मिला आराम। इस बहन का नाम एलिस है और छे मोदल गांव के रहने वाले हैं, और जिस इनकी गवाही जे जे बता रही कि 5 साल हो गए थे इनके घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, दर्द रहती थी जिसके कारण इनको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और जे बता रही है कि इनको बैठने में भी प्रॉब्लम थी, जे अपना काम नहीं कर सकते थे घर का, और जिसके कारण जे बहुत परेशान रहते थे, और जे बता रही कि जे अदर चर्च भी जा रहे थे 1 साल से, और जे बता रही कि जे प्रेयर भी कर रहे थे, और जिसके कारण जे मेडिसिन भी ले रहे थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा 5 साल से अलग अलग डॉक्टर से मेडिसिन भी खाई, पर फिर भी जे बता रही इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, फिर इन्होंने मेडिसिन भी छोड़ दी कि मेडिसिन खाने से भी इनको कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा। और जैसे जे सिस्टर यहोशुआ जी ट्रॉबिन मिनिस्ट्री में जब आ रहे थे, तो जैसे इस मिनिस्ट्री के जो टीचिंग है पॉजिटिव प्रेयर पॉजिटिव प्रार्थना के विषय में, इनको और भी उत्साहित किया गया, बताया गया अपने रोज़ धन्यवाद देना है कि जो प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है। और जैसे जो सिस्टर ने 26 जनवरी की जब मीटिंग को अटेंड किया और इनके लिए ले हैंड हुई, पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। राइट नाउ किसी सभी शट 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 चल अंधकार की गंदी आत्मा निकल इसके घुटनों से फ्री शट शट नेम ऑफ जीसस शट इन द नेम ऑफ जीसस फ्री 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 हाँ कितने जावा जहां पे तेरी जगह है, हाँ कितने जावा जहां पे तेरी है, हाँ चल जहां पे तेरी जगह है उस उसी नरक कुंड में जिसके लिए तू तैयार है, जिसके लिए तूने तुझको खुदा ने वहां पे तेरे लिए एक जगह तैयार रखी है, चल छोड़ उसके घुटनों को छोड़ शट शट इन द नेम ऑफ जीसस हमेशा के लिए चल चल उस नरक में, हाँ किथे जाओ जहां पे तेरी जगह, किथे जाओ वहीं पे जाओ जहां पे तेरी जगह, हाँ क्यों नहीं जाना, हाँ नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, आज तो जाना पड़ेगा। ये मेरा घर है, अच्छा ये तेरा घर है, एक घर परमेश्वर का तेरा नहीं है, तू तो मल ले आया, ये मेरा घर है, हाँ ये तेरा घर नहीं, हाँ ये तेरा घर नहीं है, यीशु दा घर है, तू तो जबरदस्ती नाल अंदर वड़िया है। सुन जहां पे तेरी जगह है चल, खुदावंद ने इसे अपने लहू से खरीदा है, जानता है ना, जानता है शैतान, उसने अपने लहू से खरीदा है, जहां पे तेरी जगह है चल आउट, चल छट 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 इन द नेम ऑफ जीसस फ्री 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 यस। और जो बता रहे कि जैसे इनके लिए लैंड हुई और जो नेगेटिविटी के प्रभाव के कारण 5 साल के इनके घुटनों में दर्द रहती थी, और जैसे इनके लिए प्रेयर हुई और परमेश्वर ने जो बता रहे कि आज इस प्रॉब्लम से इनको पूरी तरह से आज़ाद कर दिए, आज ये अपना काम भी करते हैं घर का, और इनको बैठने उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी जो चल फिर सकते हैं,
और जैसे जी ज्यादा समय खड़े नहीं रह सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, और आज जी परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करते हैं। आज जी मीटिंग को अटेंड कर रहे, वर्शिप करते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जी परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इनको आजाद कर दिया है। अभी सिस्टर जी आप बैठ कर बताइए। हालेलुया। नहीं तो जो बता रहे कि बैठकर उसी समय जो जल्दी से उठ नहीं सकते थे, इनको किसी चीज का सहारा लेना पड़ता था, पर आज परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इनको पूरी तरह से फ्री कर दिया है। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि नेगेटिविटी, दुष्ट आत्मन कुछ नहीं होती। हाँ, ये 5 साल से परेशान थे, 5 साल से ना जी। मेडिसिन खाई जी बहुत ज्यादा। कितने डॉक्टर से? अलग अलग डॉक्टर से जो बता रहे कि खाई थी, अलग अलग डॉक्टरों से मेडिसिन खाई कि ये मेरे घुटनों का रोग, ये दर्द चली जाए। और हाँ, क्योंकि चलने फिरने में, उठने बैठने में बड़ी दिक्कत थी, पर नहीं मिला आराम जी। ऑलरेडी चर्च तो जा रहे थे, पर जो एक सत्य है, जैसे जो काम खुदा ने कर दिया है, जैसे हम आपको समझाते हैं कि पॉजिटिविटी में बने रहो। किसमें बने रहो? पॉजिटिविटी में बने रहो और धन्यवाद करो। ये नहीं है, ये हालात, ये दुष्टात्मा नहीं है, बताते हैं ना। पहले तो इन्होंने ये शिक्षा को समझा और शास में बने रहे, और जैसे ही उस दिन ले हैंड हुई और दुष्ट आत्मा इनके ऊपर प्रकट हो गया, और जैसे ही उस दिन से दुष्ट आत्मा इनकी बॉडी से गया, आज आपके सामने है। कितनी तारीख को ये ले हैंड हुई? 26 जनवरी। 26 जनवरी को। और आज कितनी है? आज सात है। कितना टाइम हो गया? हाँ, 26 मार्च और अप्रैल, मतलब कम से कम 1.5 महीने के करीब करीब। हाँ, आज आप भले चंगे हो, आज कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? हाँ, आवाज नहीं आ रही माइक। पापा जी जय मसीह दी। जय मसीह दी। मैं बिल्कुल ठीक है हूँ। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं उठने बैठने में? नहीं जी। अब खड़े होकर आप वर्शिप करते हो आनंद से? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना काम की, ना बैठने की, ना उठने। परमेश्वर ने पूरी तरह से आजाद कर दिया है। देखो, जो काम मेडिसिन से नहीं हुआ, सालों से खा रहे थे, सालों से अलग अलग डॉक्टर बदले, फिर भी क्या नहीं मिल रहा था? छुटकारा नहीं मिल रहा था, आराम नहीं मिल रहा था। पर आराम देने वाला और छुटकारा देने वाला कौन है? बोलो कौन है? मैं हमेशा आपको कहता हूं, मेडिकल साइंस बुरी नहीं है। मेडिकल साइंस बुरी नहीं है, पर जब मेडिकल मेडिसिन काम ना करे तो बंदा क्या करे। इसलिए 12 साल की जो स्त्री सी, जिसे खून पहने की क्या थी, उसने अपनी सारी जीविका, अपनी सारी संपत्ति उस बीमारी पर खर्च कर दी, पर फिर भी वो चंगी। एक वैद्य के पास गई, लास्ट तो सुना ये बहुत क्या है, तो उसने कहा मेरे पास तेरे रोग की कोई दवाई नहीं है। तो उसने कहा फिर मुझे कौन चंगा करेगा। हाँ, जब वैद्य की दुकान से बाहर आई तो यीशु नासरी जा रहे थे और लोग भीड़ उसके पीछे जा रही थी। हाँ, तो उसने किसी को पूछा, ये कौन है, क्यों इतनी दुनिया उसके पीछे जा रही। तुम्हें नहीं पता, यीशु नासरी है, जो इसका पल्ला भी छू ले तो क्या हो जाता है? चंगा हो जाता है, जो पल्ला भी छू ले। उसने कहा अच्छा, कितनी निर्बल औरत थी, उसके बॉडी से पूरा खून निकल चुका था। जब यीशु मसीह को देखा तो वो पहले ही दूर थे, कैसे उसके पीछे दौड़ी, कितने विश्वास के पीछे दौड़ी कि अगर ये नासरी है, लोग कहते इसके पल्ले शू लेने से
लोग चंगे होते हैं तो आज मैं भी क्या हो जाऊंगी। उसने इस बात का फेथ किया, विश्वास किया। आज जब दौड़ के भीड़ में जहां घुसी तो भीड़ में धक्का लगा और गिर पड़ी, क्योंकि कमजोर थी। और लोग अब सबको अपनी अपनी है ना, सबको अपनी अपनी पड़ी है, तो वो नीचे और लोग ऊपर से गुजर रहे हैं, राख मिट्टी बुरा हाल, और भीड़ ऊपर निकल गई। हाँ, वो यीशु मसीह आगे चले गया, भीड़ आगे निकली। अब उसने ऐसा नहीं किया मेरी किस्मत खराब है, लगता मुझे हाँ मेरी किस्मत खराब है। वो फिर से उठी, उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा, फिर से दौड़ी और फिर विश्वास से जाकर यीशु के पल्ले को छू लिया। किसके पल्ले को छू लिया? आज जब यीशु मसीह के पल्ले को उस विश्वास से छुआ, तो यीशु ने चेलों को कहा मुझे किसी ने छुआ है। तो चेलों ने कहा प्रभु इतने लोग तुझ पर गिर रहे हैं, क्या पता किसने छू लिया। कहता नहीं, बात गिरने की नहीं है, बात यह है कि मुझे किसी ने उस मन से छुआ। जब ये मन सबके पास होगा, सबके सब गवाही के साथ खड़े होंगे, सबके सब अपनी बरकत की गवाही देंगे, सबके सब अपनी बीमारी की छुटकारे की गवाही देंगे, सबके सब देंगे, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात करने वाला नहीं है। इसलिए कहा बिना उस विश्वास से उसे कोई खुश नहीं कर सकता। पर जब हम विश्वास देते हैं तो खुदाबंद फिर बड़े कामों को प्रकट करता है। आज देखो आपके सामने है, 5 साल से घुटनों की प्रॉब्लम थी, कितनी मेडिसिन खाई, कितने डॉक्टर बदले, कहीं से आराम नहीं मिला। पर सही चीज, सही पॉजिटिविटी की शिक्षा, हाँ, जो पॉजिटिव प्रार्थनाएं जो हम करते हैं, बोल क्या है, उसको समझ कर आज ये बिल्कुल भले चंगे। आज आपको इनके चेहरे से पता चल रहा है कि ये खुश हैं, हाँ, और परमेश्वर ने पूरी तरह आजाद कर दिया। तारीफ करो जोर से थम जाते ने तूफान जदों यीशु बोलदा, थम जाते ने तूफान जदों यीशु बोलदा, वो नस जांदा है शैतान जदों यीशु बोलदा, वो थम जाते ने तूफान जदों यीशु बोलदा, थम जाते ने तूफान जदों।